नमस्कार दोस्तों, बोमिनो टोयोटा सेवन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा बीआरवी के बारे में। जापान की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा की बीआरवी भारत में ज्यादा सफल नहीं रही है, लेकिन इसने निश्चित रूप से कुछ अन्य ऐसे बाजारों में अच्छा प्रदर्शन किया है। बीआरवी की यह लोकप्रियता को बनाने रखने के लिए होंडा ने इसका नया वर्जन पेश किया है। यह बीआरवी का सेकेंड जनरेशन मॉडल है और N7X कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसे इस साल के शुरुआत में प्रदर्शित किया था। होंडा बीआरवी सेकंड जनरेशन एक नए लुक के साथ पेश की गई है, जो पिछले मॉडल से अलग है, जो बंद होने से पहले भारतीय बाजारों में भी उपलब्ध थी। इसमें कई सारे मॉडर्न फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दिए गए हैं और इस होंडा न्यू बीआरवी को इंडियन मार्केट में भी जल्दी लाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में आने वाली होंडा बीआरवी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, प्राइस, इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स, इंजन पावर सभी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं होंडा बीआरवी के एक्सटीरियर से। नई होंडा बीआरवी काफी हद तक N7X कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। होंडा ने कुछ ऐसा ही प्रयोग नई होंडा सिविक के साथ भी किया है। पिछले बीआरवी की तरह नई कार भी होंडा सिटी के साथ अपना आधार साझा करती है। अपने नए अवतार में 7 सीटर वाली होंडा SUV पिछले मॉडल से बिल्कुल अलग है। नई होंडा बीआरवी के फ्रंट में आपको चौड़ी रेडिएटर ग्रिल, छेनी वाला बम्पर और LED DRL के साथ LED हेडलैम्प्स नई बीआरवी को पूरी तरह नई पहचान देते हैं। साइड से आप इसको देखें तो आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स, ऑटो एडजस्टेबल साइड मिरर, रियर में आपको LED टेल लाइट, रीडिजाइन रियर बम्पर देखने को मिल जाएगा। यह कार शहरी ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन साइड फ्लेडिंग और रूफ रेल्स के कारण नई बीआरवी थोड़ी डिफरेंट लुक के साथ अट्रैक्टिव दिखती है। नई होंडा बीआरवी पिछले मॉडल जैसी नहीं बल्कि SUV की तरह ज्यादा दिखती है। SUV का ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गया है। नई होंडा बीआरवी की ऊंचाई 220 mm है, जो पिछले मॉडल की तुलना में लगभग 20 mm ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नई होंडा बीआरवी में मिलने वाले इंटीरियर की। नई होंडा बीआरवी में एक नया इंटीरियर लेआउट दिया गया है। यह 7 सीटर SUV में आपको 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें आपको 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले के साथ एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, ऑटोमेटिक AC, ऑटो फोल्डेबल ORVM, होंडा लैंड वॉच, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वॉक अवे ऑटो लॉक और स्मार्ट एंट्री सिस्टम जैसे फीचर्स और टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके साथ ही इसमें आपको लार्ज डोर पॉकेट, मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील्स, सॉफ्ट ड्यूल टोन डैशबोर्ड, रिक्लाइन रियर सीट्स, सीट्स विद हेडरेस्ट, एक्टिव पार्किंग असिस्ट जैसे शानदार फीचर्स मिल जाते हैं। इसी के साथ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नई होंडा बीआरवी में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ लैंड वॉच सिस्टम और RDM यानी कि रोड डिपार्चर मिटिगेशन, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम, कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लैंड कीपिंग असिस्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसी के साथ ही एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे अन्य सुविधा फीचर्स भी दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यू होंडा बीआरवी में मिलने वाले इंजन की। नई 2021 होंडा बीआरवी में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह दरअसल वही इंजन है जो इंडिया स्पेक होंडा सिटी में इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन आपको 6,600 RPM पर 119 BHP का पावर और 4,300 RPM पर 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ आपको CVT ऑटोमेटिक और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा बीआरवी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों होंडा बीआरवी को 2022 के अंत तक इंडियन मार्केट में लाया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो अराउंड 22 लाख के करीब रखी जाएगी। तो दोस्तों क्या यह कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।